इससे पहले हमने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा वो सब था सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। क्या था? सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। ठीक है, मैं दिखा भी देता हूँ। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर, कौन सा फोल्डर था हमारा? ये रहा MWS। सही है, यहाँ पर हमारी क्लास 16 होने वाली है। इधर आकर ओपन विथ कोड करते हैं। index.html, गलत कर दिया भाई। HTML, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद क्या हो गया? PC हैंग क्यों हो गया? अभी इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे वो क्या था? सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। सिंक्रोनस, मैं दिखा देता हूँ स्पेलिंग। सिंक्रोनस, और एक होता है एसिंक्रोनस। अभी जो हमने पढ़ा वो होता है सिंक्रोनस, ये रहा। ठीक है, अब इंटरव्यू में सबसे पहला सवाल ये होगा कि हमारा जावास्क्रिप्ट का जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, सही है, यही पूछेगा कि डिफ़ॉल्ट जो बिहेवियर है वो सिंक्रोनस है या एसिंक्रोनस है। ठीक है, या वो बस ये पूछेगा कि जावास्क्रिप्ट का बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर क्या है। तो आप क्या बोलोगे? उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है वो है सिंक्रोनस। सिंक्रोनस एक वर्ड है, सही है, लेकिन अगर हम अपने उर्दू ज़बान में इसको बोलें तो मतलब ये है कि कोड लाइन बाय लाइन चलेगा। मतलब सबसे पहले लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 5, इस तरह से है। सही है, अब ये बोल रहा है हम जो अब पढ़ने जा रहे हैं, आज से जो हम पढ़ने जा रहे हैं अब से कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अब हम पढ़ने जाएंगे एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। एसिंक्रोनस, आप इंटरव्यू में ये बोलोगे कि एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट हम बनाते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट तो वो सिंक्रोनस होती है लेकिन हम उसको एसिंक्रोनस बनाते हैं। ठीक है, ये बोल रहा है एसिंक्रोनस इज़ अ नॉन ब्लॉकिंग आर्किटेक्चर। ये इस नॉन ब्लॉकिंग आर्किटेक्चर का मतलब ये है कि इसका कोई आर्किटेक्चर नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैं आया, एक जावास्क्रिप्ट एक फाइल बना लेता हूँ, स्क्रिप्ट डॉट जेस। ठीक है, और इधर आके मैंने बोला कंसोल डॉट लॉग 1 2 3 4, मैंने इस तरह से कर लिया 3 4 5। अब इसका एक स्ट्रक्चर है, ये सिंक्रोनस चलेगा। सिंक्रोनस मतलब लाइन बाय लाइन चलेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि लाइन नंबर 5 पहले चल जाए? नहीं हो सकेगा ना, क्योंकि ये सिंक्रोनस चल रहा है, लाइन बाय लाइन चल रहा है। ए सिंक्रोनस हम बताते हैं जिसमें हमें खुद को पता ही नहीं होता कि पहले ये वाली लाइन चलेगी या पहले ये वाली लाइन चलेगी। सही है, ए सिंक्रोनस करना और ए सिंक्रोनस पढ़ना थोड़ा सा हार्ड है सिंक्रोनस के मुकाबले में। बात समझ आ रही है? हार्ड क्यों है? क्योंकि इंसान का नॉर्मली जो माइंड होता है ना, वो आसान चीज़ों को जल्दी पिक कर लेता है। जैसे कि कोड लाइन बाय लाइन चल रहा है, लाइन नंबर 1 2 3 4, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये आगे पीछे चलेगा, आपको ये नहीं पता ये कब आएगा ये कब आएगा, तो माइंड जल्दी से एकदम पिक नहीं करेगा, बोले ये हो क्या रहा है, पहले क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे काम को हम बोलते हैं एसिंक्रोनस। ठीक है, एसिंक्रोनस। अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल चलाऊं, तो यहाँ पर चलाने के बाद इसका रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा, लाइन नंबर 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर ये आगे पीछे चलेगा तो आपको समझ ही नहीं आएगा, भाई आपने जैसा उसको दिया उसने देखे लाइन से चलाया। लेकिन अगर ये हम इसको आगे पीछे नहीं करेंगे, हम इसको खुद हाथ से आगे पीछे नहीं करेंगे, ऐसी क्या सिचुएशन आ रही है कि हमें कोड आगे पीछे चलेगा, ये भी तो बात हो सकती है ना। पहले ये तो जानना पड़ेगा हमें कि मैं जो बात कर रहा हूँ कि कोड हमारा आगे पीछे चलेगा, हमें पता ही नहीं चलेगा पहले कौन सी लाइन चलेगी। तो ऐसी क्या वो वजह आ रही है, ऐसी क्या सिचुएशन आ रही है कि वो कोड आगे पीछे चल रहा है? इससे पहले जो कुछ हमने पढ़ा सब समझ में आ रहा था, चीज़ें लाइन बाय लाइन चल रही थी। सही है, टेबल पर एंटर कर रहे थे, टेबल प्रिंट हो रहा था, लाइन से कोड समझ में आ रहा, सब कुछ ठीक था। लेकिन अभी ऐसी क्या वजह आ गई कि हमारा कोड जो है आगे पीछे चलेगा, और कब कौन सी लाइन चलेगी कोई इसका आइडिया नहीं है।
तो इस चीज़ के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा एसिंक्रोनस, जिसके बोल रहा है कि इज़ अ नॉन ब्लॉकिंग आर्किटेक्चर, किसका कोई आर्किटेक्चर ही नहीं है, मतलब आर्किटेक्चर बताएगा बनेगा लेकिन पता नहीं चलेगा कौन सी लाइन कहाँ जा रही है। अब बोल रहा है सो द एग्जीक्यूशन ऑफ वन टास्क इज़ नॉट डिपेंडेंट टू एन अदर। इस बात का मतलब ये इसने बोला कि बोल रहा है कि इसकी जो एग्जीक्यूशन होगी, जो उसका पहला टास्क होगा, वो डिपेंडेंट नहीं है किसी दूसरे के साथ। इसका मतलब ये है कि ये बोल रहा है कि अब ये डिपेंडेंट हैं, ये डिपेंडेंट कैसे हैं कि यहाँ पर लाइन नंबर वन पहले चलेगी तो जब भी ये लाइन नंबर टू चलेगी, वरना नहीं चलेगी। बात समझ में आ रही है, वरना नहीं चलेगी। तो ये डिपेंडेंट हैं। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, मैंने फंक्शन बना लिया, फंक्शन का नाम लिख दिया हेलो, ठीक है। हेलो के अंदर मैंने लॉक करा के बोला, मैंने लॉक करा के बोला हेलो, ठीक है। अब फंक्शन तो मैंने नीचे बनाया है, कॉल में इसको कर रहा हूँ इस जगह पे, क्या लगता है चल जाएगा? नहीं चलेगा, एरर आएगा, क्या आएगा? मैं बनाया मैंने बाद में, चल पे ले रहा है, क्या लगता है अनडिफाइंड आएगा? हेलो आ गया। देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसने देखा ये फंक्शन है, इसने क्या देखा, ये फंक्शन है। अब देख रहा है कि इधर फंक्शन कॉल हो रहा है, जब वो देख रहा है कि फंक्शन कॉल हो रहा है, इसका मतलब है फंक्शन बना हुआ है ना भाई, जावास्क्रिप्ट में बना हुआ है, जब भी तो कॉल हो रहा है। जब फॉर एग्जाम्पल जब फंक्शन ही नहीं है, मैंने कॉल करा हुआ है, तो एरर देगा, बोलेगा पता नहीं हेलो इज़ नॉट डिफाइन क्या है। जब उसने देखा राउंड ब्रेकेट लगा हुआ, इसका मतलब है फंक्शन नीचे बना हुआ होगा, तो उसने कोई एरर नहीं दिया। अगर यहाँ पर इसकी जगह पर कोई वेरिएबल होता, लेट नम वन इक्वल टू 20, अब यहाँ पर मैं इसको कंसोल करा रहा हूँ, लॉक करा नम वन, अब क्या लगता है, अब एरर आएगा चल जाएगा? एरर आएगा। अब वो एरर आएगा, बोलेगा नम वन बिफोर इनिशियलाइजिंग, मतलब आपने नम वन तो था लेकिन आपने पहले ही उसको इनिशियलाइज कर दिया, मतलब बाद में आपको जो है उसको बिफोर इनिशियलाइज, मतलब पहले करना पड़ेगा, आप उसको बाद में कर रहे हो, मतलब इसका ये है कि कंसोल कराने से पहले करना पड़ेगा। चीज़ समझ में आ रही है? तो अब ये चीज़ जो है हुआ क्या, देखो इसे बोलते हैं डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट किस पर है भाई, इसमें एरर आ रहा है तो ये तो चले, एरर तो उसमें आ रहा है ना, इसमें तो नहीं आ रहा एरर, ये पांच लाइनें तो सही है मेरी, क्या हुआ डिपेंडेंट हो गया। डिपेंडेंट वैसे हुआ, वो बोल रहा है कि पहले ये सही हो उसके बाद ही चलूँगा, वरना मैं नहीं चल रहा। देख रहे हो क्या हो रहा है, एरर आ रहा है भाई, बकाया लाइनें सही हैं वो तो चलें कम से कम। चीज़ समझ में आ गई? तो हाँ, अब वो बोल रहा है कि सो द एग्जीक्यूशन वन टास्क इज़ नॉट डिपेंडेंट टू एनदर, बोला एसिंक्रोनस में ऐसा होता है कि कोई किसी चीज़ के साथ डिपेंडेंट नहीं होती। बात समझ में आ रही है? कोई किसी चीज़ के साथ डिपेंडेंट नहीं होती है। जैसे कि यहाँ पे कोड लाइन बाय लाइन चल रहा है, इसमें एरर आया, दूसरा नहीं चला, एसिंक्रोनस में क्या होगा भाई, इसमें गलती है ना, इसको छोड़ दो, इसको तो चलाओ कम से कम, ये होगा एसिंक्रोनस में। तो आपको यही समझा रहा है कि एसिंक्रोनस इज अ नॉन ब्लॉकिंग, कोई इसका स्ट्रक्चर नहीं है। सो द एग्जीक्यूशन वन टास्क इज डिपेंडेंट टू एन अदर, वो किसी के साथ डिपेंडेंट नहीं है, बस वो अपना चलेगा, एरर आ रहा है तो रुक जाएगा। हाँ एसिंक्रोनस की बता रहा है, मतलब टास्क कैन रन, ये क्या बोल रहा है सिमुलटेनसली, पता नहीं कोई होगा इंग्लिश का, कोई उर्दू के अंदर ट्रांसलेट करना पड़ेगा। खैर ये बोल रहा है कि सिंक्रोनस इज अ ब्लॉकिंग स्ट्रक्चर, ये बोल रहा है सिंक्रोनस तो हमारे पास एक ब्लॉकिंग स्ट्रक्चर है, जिसका स्ट्रक्चर हमें समझ में भी आ रहा है। सो द एग्जीक्यूशन ऑफ ईच ऑपरेशन डिपेंड ऑन कंप्लीटिंग वन ऑफ द बिफोर इट, मतलब कि यहाँ पे कोड जो लाइन बाय लाइन चल रहा है, पहले अगर कोड सही हुआ तो बकाया जब कंप्लीट हो जाएगा तो दूसरे कोड भी चल जाएंगे। ईच टास्क रिक्वायर एन आंसर, बोला हर एक टास्क का उसको सही आंसर चाहिए, तो उसके बाद आगे कोड चल रहे होंगे वरना नहीं चलेंगे। मूविंग ऑन दी नेक्स्ट आइट्रेशन, ये बोल रहा है कि इसका आंसर सही चाहिए इसको, तो जब भी आगे का चलेगा, वरना तो वो आइट्रेशन करेगा ही नहीं, मतलब आगे कोड ही नहीं चलाएगा वो। सिंक्रोनस में ऐसा होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारे पास अब हम पढ़ने जा रहे हैं एसिंक्रोनस। अब पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ये समझेंगे कि इसी क्या वजह आ रही है, इसे क्या रीज़न आ रहा है कि हमें जो इसको एसिंक्रोनस करना पड़ रहा है। जब सिंक्रोनस सारा कुछ चल रहा था, हर वेबसाइट बन रही थी, सब काम हो रहा था, ऐसा क्या रीज़न आ गया?
अच्छा बात समझ में आई इतनी। इसमें किसी का कोई सवाल है? अब सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ऐसा क्या रीज़न आ रहा है कि कोड हमारा आगे पीछे चलेगा। सही है। तो देखो, जब चीज़ इंटरनेट से चलती है ना, तो उसका कोई भरोसा नहीं होता है कि ये वेबसाइट कब लोड होगी, कितनी देर में रिस्पॉन्स आएगा, किसी को कुछ नहीं पता। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर आके सर्च कर रहा हूँ रिएक्ट जेस, ठीक है? मैंने यहाँ पर आके सर्च करा रिएक्ट जेस। अब रिएक्ट जेस मैंने सर्च करा, मुझे ये नहीं पता कि मैं एंटर करूँगा इसका रिस्पॉन्स कब आएगा। मतलब टाइम, अगर स्पीड नेट की तेज़ हुई तो फटाफट आ जाएगा, स्लो हुआ तो कब आएगा। एंटर किया, आपको कुछ आइडिया था कि कितनी देर में आने वाला है? मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, मुझे इस पर कोई आइडिया नहीं है कि कब ओपन होगी। बाज़ों का आपने अक्सर देखा होगा, भूते तो लोडर ही घूमते रहता है, कभी तो एकदम जल्दी फट करके खुल जाता है। यहाँ पे क्लिक करा, अभी कितनी देर लोडर घूम रहा है कुछ आइडिया नहीं है। तो यहाँ पर ये हो रहा काम एसिंक्रोनस। क्या काम हो रहा है एसिंक्रोनस? इसको कुछ पता नहीं चल रहा कि कितनी देर में काम होगा। अब अगर फॉर एग्जांपल ऐसा समझ लो, मैंने यहाँ पर क्लिक करा, अभी लोडर थोड़ी देर घूम रहा है। जब फिर तो अगर एसिंक्रोनस दुनिया में अगर फॉर एग्जांपल काम ही नहीं होता, या जावास्क्रिप्ट में काम नहीं होता, तो होता क्या, पहले तो लोडर घूमता, बोलेगा पहले तो लोडर वाला काम कंप्लीट करूँगा, उसके बाद वेबसाइट चलाऊँगा। थोड़ा दिमाग काम कर रहा है आप लोगों का, खुद का भी, कि अभी तो पूरी वेबसाइट खुली ही नहीं थी, लोडर तो घूम रहा था, लेकिन वेबसाइट लोड हो गई थी हमारी, लेकिन लोडर अपनी जगह घूम रहा है वो। उसको पता वेबसाइट में कुछ चीज़ें लोड नहीं हुई हैं अभी, वो लोडर घुमा रहा था। जैसे फॉर एग्जांपल W3 स्कूल पर मैं आता हूँ, W3 स्कूल पर मैं आया, एंटर किया, मुझे नहीं पता कितनी देर में रिस्पॉन्स आया, अभी भी घूम रहा है, कुछ चीज़ें नीचे की लोड नहीं हुई है वेबसाइट की। लेकिन उसने क्या, गूगल के पूरा वाइट आ रहा था, इधर नहीं आ रहा था ना, उसने तो अपना रिस्पॉन्स ला के दिया, जो नीचे ही कुछ चीज़ें लोड नहीं हुई हैं, जो टाइम लग रहा है उस पर लोडर घुमा दिया उसने। तो अगर ये काम नहीं होता तो आप सोचो, इधर वाइट स्क्रीन आती रहती, वो बोलता पहले मैं पूरी स्क्रीन पूरा लोडर घुमाऊंगा, पहले सारा काम करूंगा, लाइन बाय लाइन सारा कोड चलाऊंगा, जब तक सारी चीज़ें लोड नहीं होगी जब तक नहीं दिखाऊंगा। बात समझ आ रही है? अब मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कितनी देर में लोड होने वाला है, बस ये पता कि मैंने क्लिक कर दिया, देखो लोडर घूम रहा है। तो क्या इसने वेबसाइट नहीं दिखा रहा? वेबसाइट तो वो दिखा रहा है, कुछ चीज़ें लोड नहीं हो रही हैं वो एक अलग बात है। यहाँ पे पाइथन पे क्लिक करा, वेबसाइट ओपन हो गई है नीचे की, कुछ सब चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अंदर का कोड अभी तक चल रहा है, रीलोड हो रहा है, देख रहे हो लोडर घूम रहा है। तो क्या उसने वेबसाइट चलाने से आपको मना कर दिया? बोला भाई ये मैं अंदर प्रोसेसिंग कर रहा हूँ, कुछ कोड बंद हुआ हुआ है जिसको मैं चला रहा हूँ स्लो स्लो, ठीक है आप अपनी वेबसाइट चलाओ, उस पर घूमो फिरो, सही है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जिसकी वजह से कोड मतलब स्लो चल रहा है, तो उस पर वो भी साइड से वजह टाइम लेगा थोड़ा सा। तो बात समझ आ गई? तो इस सिचुएशन के लिए हम पढ़ते हैं एसिंक्रोनस। लेकिन अब ये समझना पड़ेगा कि हमारी वेबसाइट में ऐसा क्या काम आ जाएगा क्या, मतलब ऐसा काम करना पड़े। ये तो चलो हम गूगल पे डाल दें, गूगल खुद ही डील करता रहेगा, हमारी वेबसाइट में ऐसा काम क्या आ रहा है? देखो हमारी वेबसाइट में काम अब आ रहा है API से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? API से रिलेटेड। API की फुल फॉर्म जो है क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है? अब इससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई अब API क्या चीज़ आ गई, बात है नहीं है कि API क्या चीज़ आ गई है। देखो API एक वर्ड है और कुछ भी नहीं है, और ये एक लिंक होता है। मतलब API से पहले जब मैं भी पढ़ता था तो पता नहीं मतलब क्या चीज़ है API, सुनते आ रहे हैं बहुत, बाद में पता चला वो एक लिंक था, वो तो कोई, हम समझ रहे कोई बड़ा सेटअप कोई चीज़ आ गई, बाद में पता चला वो एक लिंक था। और मैं आपको अगर API दिखाऊं, तो यहाँ पर आके मैं लिखता हूँ, नहीं, मैं लिखता हूँ जेसन प्लेस होल्डर, जेसन प्लेस होल्डर API। ये हमारे पास, अगर मैं इस पर आऊँ, ये मुझे एक लिंक देगा, ये API है, ये API है बस, ठीक है? API क्या है? एक लिंक है। अब इस लिंक के पीछे आपको नहीं पता क्या चल रहा है, लेकिन इस लिंक के पीछे इतना डेटा है कम से कम भी, बात समझ रहे हो भाई? सबूत क्या है इस बात का? यहाँ पर आके इसको कॉपी करा, पेस्ट किया, इसके पीछे अभी फ़िलहाल कितना डेटा रखा हुआ है, एक, ठीक है? मैंने बोला इसके पीछे 100 डेटा आ जाए। अच्छा मैं ये 100 नंबर वाली आईडी का ला रहा है, मैं काम करता हूँ, थोड़ा नीचे जाता हूँ, मैंने बोला 100 पोस्ट का डेटा दे दो,
इसने मुझे एक API प्रोवाइड करी है री, ये 100 पोस्ट का डेटा आ गया, इसमें 100 यूज़र का डेटा आ रहा है, इस एक लिंक के पीछे देख रहे हो कितना डेटा रखा हुआ है। तो जो हमारे पास गवर्नमेंट की जो वेबसाइट होती है जिसपे हमारा डेटा आता है, जिस पर हम रिज़ल्ट सर्च करते हैं रिज़ल्ट शो हो जाता है, वो भी तो आपको लिंक देते हैं कि इस वेबसाइट पर जाके सर्च करो आ जाएगा, तो उस लिंक के पीछे इतना डेटा रखा हुआ होता है वो आप लोगों का। जैसे डेटा सर्च करते हो वो डेटा इसके अंदर से निकल कर आता है, इस एरिया के अंदर से ऑब्जेक्ट निकल कर आता है बाहर। ये हम अभी प्रैक्टिकली देखेंगे, मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ चीज़ें ये। तो API सिंपल क्या है, एक लिंक है, लेकिन API का रियल में काम क्या है इसको समझना पड़ेगा। देखो API हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, हमारे में API बहुत सारी टाइप्स की होती हैं। ये जो अभी हमने API देखी, ये बनी बनाई किसी ने बनाकर इंटरनेट पर रखी हुई है, इसके पीछे ऐसे रेंडमली कुछ डेटा डाला हुआ है किसी यूज़र का, ऐसे उल्टे से नाम लिख के भर दिया डेटा, रेंडम कुछ डेटा है वो। यहाँ पर हम बैकएंड में हम खुद बनाना सीखेंगे, ये लिंक बनेगा कैसे, इसके पीछे डेटा कैसे ऐड करेंगे, बनाएंगे कैसे, लोगों तक कैसे पहुँचाएंगे, अपनी वेबसाइट में कैसे लगाएंगे, सही है। ये हम सब काम करेंगे बैकएंड में। फ्रंट एंड में सिर्फ अभी हम इतना करने वाले हैं, फ्रंट एंड डेवलपर का सिर्फ इतना ही काम होता है कि उसको API दे दी जाए, बस वो API को यूज़ करके डेटा स्क्रीन पर शो करा दे, उसका फ्रंट एंड वाला काम ख़त्म है। फ्रंट एंड वाले को ये नहीं सोचना है कि ये API बने कैसी, इसके पीछे डेटा क्या रखा हुआ, उसको नहीं सोचना है इसके पीछे डेटा क्या आ रहा है, उसको ये बोला जाएगा ये लो API, ये वेबसाइट हमारी बना दो, इसमें लगा देना API, डेटा शो करा देना, बस। बात समझ में आ गई? तो उसको ये नहीं सोचना कैसे बनी, ये किसको सोचना है, बैकएंड डेवलपर को, कि कैसे बनी, कैसे बनेगी, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसके पीछे डेटा कैसे आएगा, कहाँ से डेटा आएगा, कैसे कनेक्ट करेंगे, लिंक कैसे बनाएंगे, सब उसको सोचना है, वो हम बैकएंड में करेंगे सारा, सही है। तो अभी API एक लिंक है, बैकएंड डेवलपर ने बना के दी, लिंक दे दिया और बोला कि ये लो लिंक, इस API में समझ लो ये हमारी API है, बोल रहा है कि इस बॉक्स के अंदर आपका डेटा रखा हुआ है, इस लिंक के अंदर डेटा रखा हुआ है, अब आपने इस लिंक में से डेटा निकाल के स्क्रीन पर शो करा देना है, बस। वो कैसे शो कराएंगे हम देखेंगे आज, पढ़ेंगे। अब इसी तरह से और हर टाइप्स की API होती हैं, जैसे कि इसने API दी, ये API कहलाती है गेट की, किस चीज़ की API कहलाती है, गेट की API। अब API जैसे मैंने बोला बहुत सारी टाइप्स की होती है, वो मैंने इसीलिए बोला, मैं जब मैंने गेट बोला इसका मतलब है कुछ और भी होंगी, जैसे मैंने बोला गेट की API है, तो ये हमारे पास कुछ और भी होती हैं। कौन कौन सी होती हैं हमारे पास, जैसे गेट होती है, इसी तरह से एक API होती है पोस्ट की। इस पोस्ट वाली API का काम क्या होता है, ये होती है पोस्ट की API। इस गेट API का मतलब है, नाम से जाहिर है कि डेटा को सिर्फ गेट करेगी, मतलब जो जो उसके पीछे डेटा आ रहा है ना, वो डेटा उस लिंक के पीछे नहीं रखा हुआ है, वो रखा हुआ डेटाबेस पे, लेकिन वो लिंक ये काम कर रहा है कि डेटाबेस से डेटा उठाकर ला रहा है, वो कहलाती गेट की API। पोस्ट की API का मतलब क्या होगा, जो यूज़र लॉगिन फॉर्म बनाएंगे हम, उसमें डेटा देंगे, अब हम लिंक को बताएंगे, API को बताएंगे कि ये डेटा आपने लेके अब डेटाबेस पे जाके सेव भी कराना है, जब आप लेकर आ सकते हो तो छोड़कर भी आ सकते हो आप, सही है। तो हम लिंक को बताएंगे कि डेटाबेस पे डेटा छोड़कर आना है, तो वो पोस्ट की API होगी कि डेटा पोस्ट करने का काम करेगी। इसी तरह से और API होती हैं, और कौन कौन सी होती है, इसी तरह से हमारे पास होती है अपडेट, इसे वैसे API की ज़बान में इसको पुट बोलते हैं, ये हमारी ज़बान में अपडेट है, सही है, API के हिसाब से पुट बोलते हैं इसको। तो ये पुट की API क्या होगी, हमें इसको बताना पड़ेगा, ये आपने डेटा अपडेट कराना है। फॉर एग्जांपल यूज़र ने नाम दिया हुआ अली, हम उसको ये बोलेंगे ये लो अली नाम, ये अली नाम है, और हम उसको एक अपडेटेड नाम देंगे, ये बिलाल है, आपने अली को बिलाल से कन्वर्ट करना है डेटाबेस पे जाके, तो वो यहाँ से डेटा उठा के लेके जाएगा दोनों डेटा, एक तो वो डेटा जो यूज़र का ऑलरेडी लिखा हुआ था अली, फिर हम जो उसको देंगे कन्वर्ट करने के लिए ये लो बिलाल से रिप्लेस करना है इसको, तो दोनों लेके जाएगा डेटाबेस पे जाके चेंज करेगा, फिर वो चेंज करेगा, फिर वहाँ से एकदम फ़ौरन एक API चलेगी, हम बताएंगे कि आप वापसी गेट वाली API चलाओ, जैसे वो अपडेट करेगा तो हम बोलेंगे अब जो नया डेटा बना डेटाबेस पे वो गेट करना है। तो सब हम बैकएंड में बनाएंगे, यहाँ से फ्रंट एंड में बनाएंगे किस तरह से होगा। इसी तरह से डिलीट की API होगी, उसमें काम क्या हो रहा होगा, उसमें हम बता रहे होंगे कि हमारे पास ये डेटा डिलीट करवाना है, जैसे भी मैं इस पर क्लिक करूँ आपने डेटा डिलीट करवाना है, वो कैसे होगा वो हम देख लेंगे। बात समझ में आ रही है? लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करो, मैं बोल रहा हूँ जो डेटा गेट हो रहा है, अपडेट हो रहा है, पुट हो रहा है, डिलीट हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, सब हो कर रहा है डेटाबेस पे। अब डेटाबेस पे क्या आप ऑफलाइन जा सकते हो? नहीं जा सकते ना, इंटरनेट तो ज़रूरी है, MongoDB पे जाने के लिए, कोई भी इंटरनेट पे वेबसाइट सर्च करने के लिए, URL से इधर से उधर जाने के लिए
आपको नेट की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ facebook.com, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, अभी तो नेट है तो खुल जाएगा। जब नेट नहीं होगा तो खुल जाएगा क्या ये? बोले नो इंटरनेट कनेक्शन। तो ये भी तो एक API है, एक URL है ये भी। तो इसी तरह से API भी एक URL है, और वो भी नेट के ज़रिए ही चल रही है। URL डेटा ले जाना, अपडेट कराना, बहुत सारे काम कराना नेट के ज़रिए ही हो रहे हैं। तो जब नेट नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। अब नेट स्लो होगा तो अब हमें नहीं पता वो कितनी देर में URL वहाँ तक पहुँचेगा, कितनी देर में वो अपडेट करेगा, कितनी देर में अगर डेटा सर्च कर रहे हैं ढूँढेगा, कितनी देर में गेट करके लाके शो कराएगा, हमें कुछ नहीं पता। बात समझ में आ रही है? तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ यार काम तो बन रहा है इस टाइप का, कि अगर हम प्रोडक्ट की API, फॉर एग्जांपल किसी ने बोला ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, तो यहाँ पर हम कॉपी को प्रोडक्ट को कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, कॉपी करा पेस्ट 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 करके बहुत सारे प्रोडक्ट, अगर ऐसे करेंगे तो हमारी जो वेबसाइट है बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी। मतलब अगर अमेज़ोन की आप वेबसाइट पर जाओ, मैंने इस पर क्लिक करा, ठीक है, क्लिक करने के बाद लोडर घुमा थोड़ी देर, ख़त्म। लेकिन मैंने भी एक API, मैंने भी एक वेबसाइट बनाई थी अमेज़ोन का क्लोन, मैं आपको दिखाता हूँ वो, देखना अभी खोलूँगा तो फजर तक खुलेगा वो। यहाँ पर मैं आया और यहाँ पर मैं लिखता हूँ अमेज़ोन करके, ये आ गया, इस पर क्लिक करा और इधर मैं आता हूँ। अभी देखो लोडर कितनी देर घूमेगा, देख रहे हो लोडर अभी तक चल रहा है, मेरी वेबसाइट भी देख रहे हो कितनी हैंग हो रही है अभी, है लोडर अभी तक रुका नहीं है, और अमेज़ोन की लोड होके भी ख़त्म हो गई, अब जाके चली है मेरी। विथाउट API के ये सीन होगा, तो ये कोड कॉपी पेस्ट हो रहा है। हो क्या रहा है बेसिकली, मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूँ तो ऐसा सीन हो रहा है, जबकि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बता रहा हूँ कि अंदर जाके कि क्या सीन हो क्या रहा है, आपको इसको जानने की कोई वैसे ज़रूरत नहीं है। देखो ये हमारे इंटरनेट पे वेबसाइट रखी हुई है, अब सारी इमेजेस इसमें रखी हुई हैं, एक फोल्डर में HTML इसमें रखी हुई है, CSS रखी हुई है, फॉन्ट्स रखे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, सही है। अब इमेजेस मेरे फॉर एग्जांपल 50 प्रोडक्ट हैं, तो 50 इमेजेस होंगी, बात समझ में आ रही है, 50 इमेजेस होंगी, सब काम भाई इंटरनेट पर हो रहा है, ठीक है। एक यूज़र आता है हमारी वेबसाइट पर, वो आया, उसने बोला भाई इस वेबसाइट को ओपन करो, तो उसने लिंक पे क्लिक करा, तो यूज़र ने आके इसके साथ कनेक्ट हो गया। अब जब वो कनेक्ट हुआ तो इंटरनेट से हर काम हो रहा है, जब वो चलेगा तो जाहिर सी बात, जब वेबसाइट लोड होगी तो उसके बाद इतना टाइम लग रहा है। इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि वो जाता है, वो वेबसाइट को लाइन बाय लाइन चलाता है, उसको रास्ते में मिलती है एक इमेज, तो इमेज का URL देखता है, वो जाता है फोल्डर में, इमेज उठा के लाता है, फिर ला के एक चलाता है, इतनी जल्दी में दूसरी, फिर नीचे आता देखता दूसरी इमेज आ रही है, तो दूसरा, 50 प्रोडक्ट है तो 50 दफ़ा यही करेगा। अब वो यूज़र इतनी देर में वेट करता रहेगा, वो 50 दफ़ा आना जाना करते रहेगा, उसको रास्ते में फ़ॉन्ट मिलेंगे, फ़ॉन्ट के लिए जाएगा, फ़ॉन्ट के फोल्डर में जाएगा, फिर वो उठा के लाएगा, फिर लगाएगा वेबसाइट में, आइकन्स को डाउनलोड करके लगाएगा, होगा तो आइकन्स ऐसे ऐसे सीन हो रहा होगा। अब इतने में वो प्रोसेस कर ही रहा था कि एक यूज़र खड़ा हुआ था, वेट कर रहा था, वो वेबसाइट लोडर घूम रहा है, तो इतने में आ गया एक और यूज़र, वो इससे कनेक्ट हो गया। भाई उसने इस वाले को डेटा तो प्रोवाइड इतनी देर में करा नहीं था, इतने में एक और भी आ गया। मतलब एक को मैं एक चीज़ दे ही रहा हूँ, दूसरा भी आ गया। फॉर एग्जाम्पल ये मोबाइल है, मैं आपको दे रहा हूँ, ऐसे में बोला मुझे भी दे, तो मैं एक मोबाइल कैसे दूंगा? मोबाइल तो एक ही है, या तो मैं ये कर लूँ या तो ये उसको दे दूँ। अब इतने में तीसरा भी आ जाए मेरे पास, तो वो एक को प्रोवाइड नहीं कर सका डेटा, इतना मैं दूसरा को प्रोवाइड कर रहा है। अब इतने में अगर वो तीसरा आ जाए तो वेबसाइट की गलती है या यूज़र की गलती है, किस में है? वेबसाइट की गलती हो गई भाई, यूज़र का तो काम है वेबसाइट पर आना, बात समझ में आ रही है। लेकिन वो वेबसाइट का सर्वर इतना स्लो है कि वो उसको चीज़ें जल्दी जल्दी वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, वो इसको नहीं दे पा रहा, उसको नहीं दे पा रहा। ये ऐसा कौन सी वेबसाइट में होता है? हमारे रिजल्ट वाली वेबसाइट में, गवर्नमेंट की वेबसाइट में। एक यूज़र आता है, वो डेटा सर्च करता है, API जाती है डेटाबेस पर जाके, वो हज़ारों लाखों डेटा रखा हुआ होता है, उसमें आके ढूंढती है डेटा को। अब वो धाड़ से ज़्यादा ढूंढेगा, नेट चल रहा है, नेट से लेकर आ रहा है, इतने में वो एक को प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, वो दूसरा आ जाता है, वो दूसरा आके सर्च करता है। अब जैसे ही रिजल्ट हमारा खुलता है नेट पर, तो एकदम हज़ारों बंदे वेबसाइट पर पहुँच जाते हैं, सर्वर स्लो डाउन हो जाता है। लेकिन क्या कभी आपने फेसबुक की वेबसाइट पर ऐसा देखा है? हज़ारों, क्या हज़ार तो बहुत कम बोल दिए, मिलियनों लोग 24 घंटे होने, कभी भी देखा नहीं होगा कि वो घूमता रहे आधे घंटे, लोडर घूमता है, इतनी देर नहीं घूमता, वो भी आपके नेट के ऊपर है, नेट फास्ट होगा तो वो भी नहीं घूमेगा वो तो। जिसी तरह से हमारे पास इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, कभी भी इनके सर्वर डाउन नहीं देखे होंगे। रीज़न क्या है?
कि वो जो इंटरनेट पे जो वो वेबसाइट रखते हैं उसकी जो होस्टिंग होती है, सही है, तो वो जगह लेते हैं फास्ट, मतलब उस जगह को फास्ट वाली जगह खरीदते हैं, वो अच्छी जगह खरीदते हैं। बात समझ में आ रही है? वो जगह सही वाली खरीदते हैं जिसके ऊपर स्पीड तेज़ हो। जैसे कि हमारे पास कंप्यूटर में 2 GB रैम है, तो कंप्यूटर स्लो चलेगा, 8 GB कर दो रॉकेट बन जाएगा, उसमें SSD लगा दो, वो तो बस बटन दबा के खोल के बैठ जाओ, ऐसे ओपन हो जाएगा, वो लोडर भी नहीं घूमेगा जो खुल रहा होता है। अब SSD में भी और ज़्यादा फास्ट चीज़ें आ गई, अब SSD आती है M.2 और ज़्यादा फास्ट। तो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ते आ रही, काम होते आ रहा है। अब इसी तरह से हर चीज़ में इस चीज़ नहीं है ये है कि मतलब अच्छी चीज़ खरीदो तो ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, काम अच्छा होगा। अब गवर्नमेंट वाली वेबसाइट में क्या होता है, वो पैसे खर्च नहीं करते हैं, जो मिलता है जेब में, समझ रहे हो? तो सीन वहाँ पर भी यही है, वो क्या करते हैं, अच्छी चीज़ नहीं खरीदते हैं, अच्छी होस्टिंग नहीं खरीदते हैं कि यार स्टूडेंट को परेशानी ना हो। वो बोलते हैं चल यार काम हो रहा है ना, स्टूडेंट 2-4 दिन बाद सर्च कर ले आके, किसने बोला एकदम सारे लोड लेकर आओ, उनकी ये सोच है। फेसबुक वाले अगर ये सोचेंगे तो कोई भी फेसबुक पर क्यों जाएगा? आप टाइम निकाल लो, थोड़ा सा तफरी कर लेते हैं, आधा घंटा फेसबुक चला लेते हैं, आधा घंटा तो लोड होने में लग जाएगा, काहे की तफरी। बात समझ रहे हो? तो ये सा सीन होता है। फिर अब आपने यहाँ पर इशू देखा कि भाई यहाँ पे फोटोज़ रखी हुई, सब चीज़ें रखी हुई, एक एक करके प्रोवाइड करेगा, टाइम तो लगेगा, चाहे कितनी भी अच्छी होस्टिंग हो। बात समझो, चाहे कितनी भी अच्छी होस्टिंग हो, जब कोड लाइन बाय लाइन चलेगा, चलो फास्ट काम करेगा, टाइम तो फिर भी लगना ही लगना है। ये तो एक सिंपल छोटी सी वेबसाइट है, ये तो अमेज़ोन मैंने बनाई है, इसमें तो बहुत बड़ी हुई। अगर मैं इस तरह से बनाऊंगा तो आप सोचो कब कब चलेगा, क्या होगा सीन, तो नज़ारा ही कुछ और होगा उसको तो, फिर देखने वाला, वो ओपन ही बहुत देर में होगी। तो हमने क्या करा यहाँ पर, अब हमने प्रोडक्ट को ये बोला कि जो प्रोडक्ट मेरे पास आ रहे हैं यहाँ से उठकर, अब हमने बोला प्रोडक्ट यहाँ से उठ कर नहीं आए, इसके लिए हमने बोला आप एक सहारा लो एक दूसरे सर्वर का, मतलब एक तो मेरा सर्वर है जिस पे मेरी वेबसाइट अपलोड हुई हुई है, अब आप एक सहारा लो दूसरे सर्वर का। अब एक काम है, उसको एक मज़दूर है, मैं उसको एक दीवार खड़ी करने में बोलूँ तो पूरा दिन लगा देगा, अगर उसी दीवार में मैं 2 मज़दूर लगा दूँ तो दीवार जल्दी खड़ी होगी या आधे दिन में खड़ा, आधा टाइम बच जाएगा। सेम यही सीन यहाँ पर हो रहा है। एक सर्वर है, सर्वर को मैं बोल रहा हूँ ये सारी चीज़ें आपने सब यूज़र को प्रोवाइड करनी है। अब मैंने एक दूसरा सर्वर डाल दिया बीच में, मैंने बोला भाई इसके साथ आपने हेल्प करना है, इसको आप भी प्रोवाइड करो, इसको भी प्रोवाइड करो, इसको भी प्रोवाइड करो, लेकिन इसको बताना पड़ेगा ना प्रोवाइड क्या करना है। तो हम इसको बताते हैं कि API प्रोवाइड करना है। अब API के पीछे मतलब कि डेटा प्रोवाइड करना है, डेटा कौन सा होगा, प्रोडक्ट। अब ये जो प्रोडक्ट आ रहे हैं, ये मेरे पास जो प्रोडक्ट आ रहे हैं, ये जो बॉक्स बना हुआ आ रहा है, इसमें जो डेटा आ रहा है, मैंने सारा डाल दिया दूसरे सर्वर पे। मैंने बोला सिर्फ ये जो प्रोडक्ट वाला जो काम है ना, ये आपने करना है, बकाया ये स्लाइडर हो गया, नेव बार हो गया, कलरिंग हो गई, फ़ॉन्ट कहाँ से आ रहा है, कहाँ से उठा रहा है, बोला मैं खुद ही कर लूँगा, सिर्फ आप मेहरबानी करके सारा डेटा बस उठा के लेकर आ जाओ, ये सिर्फ मैं सारा काम आप पर डाल रहा हूँ, इस सर्वर पर डाल रहा हूँ। तो API का साथ यही सीन हो रहा है, API आ रही किसी और सर्वर से, उसका मेरी वेबसाइट से कोई लिंक दिन नहीं है, बस मैंने अपनी वेबसाइट में लिंक लगा के रखा हुआ है, जैसे ही वो पेज रिलोड होता है तो वो लिंक पे जाता है, जब लिंक पे जाता है तो एक और सर्वर मिल जाता है, तो वहाँ से आकर वो डेटा प्रोवाइड कर रहा होता है वो, और हमारी वेबसाइट अपनी जगह पे लोड हो जाती है। तो अब आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, और अभी बताऊँगा तो और समझ में आ जाएगी, वो जब आप वैसी वेबसाइट को ओपन करते हो तो वेबसाइट जो है पूरी ओपन हो जाती है, लेकिन अक्सर जो प्रोडक्ट के कार्ड होते हैं वो थोड़ा आने में टाइम लगाते हैं, लोडर घूमते रहता है, तो वो किसी और सर्वर से आ रहा होता है। अब वो क्या करता है, वो बोलता है ये लिंक कहीं और से आ रहा है ना, कहीं और सर्वर पर जाना पड़ रहा है, तो बोलता है भाई भाई तू ला के देते रहियो आराम से कम मेरा तो अपना काम पूरा करूँ, जो मेरा काम है नेवबार चलाना है, स्लाइडर चलाना है, कलरिंग दिखाना, फ़ॉन्ट उठाना, बोला कम से कम मैं तो अपना काम पूरा करूँ, तेरा काम है दूसरे सर्वर का, तो उठा के लाते रहियो भाई, कितनी देर में भी ला, वो मेरी कोई बला से, तो लोडर चलाते रहे बस। यहाँ पे भाई यूज़र को बता दो कि भाई लोडर चल रहा है, डेटा आने में टाइम लगेगा। अब या तो फिर हम ये कर लें कि हम उसको बोलें लोडर भी नहीं चला रहे, जब पूरा जब सारा डेटा वेटा सब आ जाएगा, API से सब कुछ आ जाएगा, उसके बाद वेबसाइट चलाऊंगा, कौन सा तरीका सही लग रहा है भाई? दो तरीके हैं कि भाई लोडर घूम के ख़त्म होगा जब भी मैं पूरी वेबसाइट चलाऊंगा, और दूसरा तरीका ये कि भाई जो लोडर वाला काम है जो कहीं और से आ रहा है उसको मैं बाद में करते रहूँगा, कम से कम जो लोड होने वाले जो उसके बगैर API की चीज़ें वो तो चलाऊँ, तो दूसरा तरीका सही होगा आई थिंक। एक और एग्जांपल दे देता हूँ, एक और एग्जांपल हम रियल में दे देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से घर जा रहा हूँ, मेरे पास टास्क है कि घर पे आके नहाना है, खाना खाना है, उसके बाद लैपटॉप लेके बैठना है। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, खाना मुझे बनाना है, समझो गर्म करना है, अब मैं जाके गर्म करने में रख रहा हूँ तवे पे, तो अब मैं खड़ा रहूँगा बहुत देर तक, क्या जब वो गर्म होगा ना जब भी मैं हटूँगा, सही है,
फिर जब वो गर्म हुआ आधा घंटा लगा खड़ा रहा बुद्धे तलक। फिर उसके बाद मैंने बोला चला भैया खा पी लूँ, उसके बाद नहा कर आ जाता हूँ, नहा कर आने के बाद फिर मैं लैपटॉप चला लूँगा। ये तो एक तरीका हो गया जो लंबा जा रहा है। एक आसान ये होगा कि मैं जाऊँ खाने को गर्म पे रख दूँ, मैं बोलूँगा जब तक ये गर्म हो रहा मैं नहा कर आ जाता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं खड़ा नहीं हो रहा, वेट नहीं कर रहा, मैं बोला नहा कर आ रहा हूँ, सही है। फिर मैं नहा कर आया, मैंने बोला अभी भी गर्म हो रहा है चल जब तक होने दो, मैं जब तक लैपटॉप चला लेता हूँ। ओवन है भाई, ओवन के अंदर घंटी बज जाएगी, हो गया गर्म, जाके उठाया खाना खा लिया, टाइम भी बचा, काम भी हो गया। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी हो रहा है। वो बोल रहा है भाई जब लोडर घूम रहा है तो भाई तू तो घूमते रहे तो मेरे को तो चलने दे, मुझे क्यों रोक के रखा हुआ है। ऐसा सीन वेबसाइट में हो रहा है, आप समझ में आ रहा है एसिंक्रोनस क्यों काम करना पड़ेगा। तो अब हमें जो लाइन चलेगी, जो एसिंक्रोनस लाइन है, जो एपीआई के लिंक्स हैं, वो हमें नहीं पता कि कौन सी लाइन पहले लेकर आए। बहुत सारी एपीआई होती हैं, हमें नहीं पता कौन सी एपीआई पहले चल जाए, नेट के ऊपर है मुझे नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, ऐसा काम कर देते हैं, हम बोलते हैं कि जो है ना इसको आप बाद में चला देना, इसके मतलब इस कोड को डिपेंडेंट नहीं रखो, मतलब के इन वाली लाइनों को चला देना, इस वाले कोड को डिपेंडेंट मत रखो इसके साथ। फॉर एग्जाम्पल ये एपीआई का काम है ना, जब एपीआई आएगी चलाते रहना, कम से कम इस कोड को चला दो, हम यहाँ पर ये बोलेंगे इसको। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि वेबसाइटों में लोडर वगैरह और ये सिलो क्यों होती हैं, कैसे चीज़ें हो रही होती हैं, समझ में आ गया। बस अब हम ये देखना है कि काम करेंगे कैसे, लेकिन सही है। तो ये काम करने के लिए हमारे पास पहले के टाइम पे, मैं बता रहा हूँ अभी के टाइम के नहीं बता रहा, पहले के टाइम पे हमारे पास होते थे कॉल बैक्स। क्या होते थे? कॉल बैक्स फंक्शन हुआ करते थे। कॉल बैक्स का मतलब है कि वापसी से कॉल करो, मतलब पहले एक फंक्शन कॉल होगा उसके बाद ही जाके कि दूसरा फंक्शन कॉल होगा, उससे पहले नहीं हो सकता वो। तो हमारे पास पहले हुआ करते थे कॉल बैक्स, ठीक है, लेकिन अब कॉल बैक्स का टाइम गया, सही है ना। अब कॉल बैक्स का टाइम गया। फॉर एग्जांपल कॉल बैक्स में होता ये है कि आपके पास एक फंक्शन है जिसमें लिखा हुआ है हेलो। अब इस फंक्शन में हेलो लिखा हुआ मैंने लॉक करा दिया, मैंने बोला कि जो है हेलो, और इधर आके मैंने कॉल कर दिया इस हेलो नाम के फंक्शन को, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर आने के बाद मैंने क्या करा, एक और फंक्शन बना दिया और इस फंक्शन का नाम रख दिया मैंने चेकिंग, ठीक है। इस फंक्शन का नाम क्या रख दिया मैंने? चेकिंग। इसको भी सिंपल फंक्शन बना लेता हूँ और इसको लॉक कराया, इसको यहाँ पर आके मैंने बोल दिया चेकिंग, ठीक है। यहाँ पर आके मैंने क्या करा, चेकिंग नाम का फंक्शन कॉल कर दिया। पहले हेलो चलेगा, चेकिंग चलेगा, हेलो चलेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आया, चेक करा मैंने, पहले जाहिर सी बात है हेलो वाला चला। अब मैं हेलो वाले को बोल रहा हूँ, अब मैं इसको डिपेंडेंट कर रहा हूँ उस वाले ऊपर वाले, इस चेकिंग वाले को डिपेंडेंट कर रहा हूँ इस वाले के साथ। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ पहले के टाइम पे कैसे काम होता था। अब देखो मैं इसको डिपेंडेंट बना रहा हूँ, डिपेंडेंट कैसे बना रहा हूँ, मैंने बोला इस फंक्शन को कॉल करा, कंट्रोल एक्स करा इस फंक्शन के साथ, इसके साथ डिपेंडेंट कर दिया, इसको आर्गुमेंट दे दिया, सही है। पैरामीटर में किसी भी नाम के साथ रिसीव कर सकते हैं, मैंने बोला चेक आ रहा है, ठीक है, मैंने बोला चेक आ रहा है, चेक जो कि एक फंक्शन आ रहा है, मैंने बोला इस चेक को आप कॉल कर दो। अब ये देखो ये वाला जो फंक्शन है ये अब जब ही चलेगा जब हेलो चलेगा, डिपेंडेंट हो गया उसके साथ। जब तक यही नहीं चलेगा तो वो कैसे चलेगा, जब तक ये नहीं चलेगा तो आर्गुमेंट ही नहीं जाएगा, ना पैरामीटर पहुंचेगा ना फंक्शन कॉल होगा। अब ये डिपेंडेंट हो गया इसके साथ, अभी जब भी चलेगा ये वाला जब हेलो चलेगा, रिजल्ट तो अभी भी सेम होगा। देखो रिजल्ट अभी भी सेम है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बोल रहा है, चेकिंग हेलो दोनों चल रहा है, पहले चेकिंग चल रहा है फिर बाद में हेलो चल रहा है, ऐसा क्यों है, कोई बताएगा? बताओ मुझे, पहले चेकिंग चल रहा है बाद में हेलो चल रहा है ऐसा क्यों? सबसे पहले फंक्शन नहीं, देखो यहाँ पर
कौन सी लाइन से पहला कोड चल रहा है? 22 से, मतलब बाद वाली लाइन पहले चल रही है, ये वाला चेकिंग पहले चल रहा है। उसने ये देखा कि हमारे पास 22 नंबर लाइन चल रही है, तो पहले जब उसने इसको चलाया तो सबसे पहले यहाँ पर वो कॉल पहले हो रहा है, सही है, तो उसके बाद जाके वो हेलो को प्रिंट कर रहा है, फिर उसके बाद इस फंक्शन का कोड चलाता है वो, ये वाला, वो कॉल पहले ही हो रहा है, चला उसको बाद में रहा है। अगर मैं इसको यहाँ रख दूँ तो कुछ फ़र्क पड़ेगा? चेकिंग और वो हेलो तो बिल्कुल ही गायब हो गया। अब हेलो क्यों गायब हुआ? वो ये बोल रहा है बेसिकली चेक वाले के अंदर ये अगर मैं इस तरह से लगा दूंगा तो भी काम हो जाएगा, इस तरह से भी काम हो जाएगा। अब पहले चेकिंग चल रहा है फिर हेलो चल रहा है, देख रहे हो? अब चेक बाद में चलाऊंगा तो चेक बाद में चलेगा, हेलो पहले, मतलब अभी तो पहले इसको कैसे चलना चाहिए था? नहीं भाई, यहाँ पर जो कोड है, समझ में आ रहा हो क्या रहा है? हेलो पहले लिखा हुआ है, चेक बाद में चल रहा है, पहले कॉल हो रहा है। हाँ तो चलो इन चीज़ों को छोड़ो, ये दिमाग ख़राब करेगी। इस तरह से हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ का डिपेंडेंट कर रहे हैं कि आपने जब भी चलना है जब वो चले, जब इसमें एरर आएगा तो इसका मतलब है इसमें भी ये भी नहीं चलेगा, जब वो नहीं चलेगा तो ये कैसे चलेगा, तो इस तरह कोड डिपेंडेंट कर रहे हैं, सही है। तो पहले हमारे पास जो काम होता था इसी तरह से होता था, हम वेबसाइट को क्या करते थे, एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट करते थे कि जब याला कोड चलेगा ना उसके बाद ही चलना है, वरना नहीं चलना है। हाँ ES5 में, जब ES6 आई 2015 के अंदर तो यहाँ पर एक चीज़ लॉन्च कराई गई, प्रोमिसिस। क्या चीज़? प्रोमिसिस। ये हमारे पास आए 2015 ES6 के अंदर। ये कब आए? ES6 के अंदर एक प्रोमिसिस नाम की एक चीज़ आई जिसने इस मसले को सॉल्व करा। इसने बोला कि आपका जो कोड था डिपेंडेंट था पहले, तो बोला इसको डिपेंडेंट नहीं रखेंगे, अब जो चीज़ आपको खुद को पता होगी वो कि कौन सी चीज़ है जो एसिंक्रोनस करनी है मुझे, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप बाद में चलाना चाह रहे हो, सही है। तो आपने उसको प्रोमिसिस पर डाल दिया। अब प्रोमिसिस के साथ जब काम करते हैं तो यहाँ पे किस तरह से काम होता है, देखो मैंने लिखा लेट, ठीक है, मैंने क्या लिखा लेट, लेट का नाम आप कुछ भी दे दो, मैंने इसको कर लिया प्रोम। अब जो प्रोमिसिस है रियल लाइफ में, प्रोमिसिस हम भी करते हैं लेकिन उस पर उतरते नहीं है, वो एक अलग बात है, सही है ना। तो रियल लाइफ में हमारे पास 3 उसूल होते हैं, ठीक है ना, कौन कौन से होते हैं, कि जो हमारा प्रोसेस है या तो वो फुलफिल्ड हो जाए, या तो वो फुलफिल्ड हो जाए मतलब सक्सेसफुली हो जाए, या तो वो पेंडिंग में चले, पेंडिंग का होता है या तो टोपियाँ देते रहेगा, कल कर देंगे यार, कल कर देंगे, वादा कल कर दूंगा, तो वो पेंडिंग में रहेगा। फुलफिल मतलब ज़बान दे दी, ज़बान का पक्का हो जाएगा, या तो वो करेगा ही नहीं, या तो क्या चलेगा फिर रिजेक्टेड, या तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, करेगा नहीं, जो कि ज़्यादातर हो जाता है ऐसा, और पेंडिंग वाला रिजेक्ट वाले पे ज़्यादा फोकस है, फुलफिल्ड पे कम ही होता है। लेकिन जो हमारे पास रियल लाइफ में केसेस हैं, सेम यही केसेस API में होते हैं, कि या हमारी API पेंडिंग में रहेगी, पेंडिंग कब होगी, जब इंटरनेट स्लो होगा, बोले अभी ला के दे रहा हूँ, सबर करो, लोड होगा, बात समझ में आ रही है, वो पेंडिंग होता है। फुलफिल्ड मतलब जैसी नेट आया, जो उसने वादा करा था कि पेंडिंग में रखा हुआ था, उसको ला के दे दिया, ये ले भाई, या तो नेट ही नहीं चला, उसको रिजेक्ट हो जाएगा, बोलेगा भाई कोई आगे से आसरा ही नहीं है, कहाँ से ला के दूँ, नेट ही नहीं है, रिजेक्टेड आ जाएगा। सेम यही प्रोमिसिस है, यहाँ पर ये चीज़ आपको लिखी हुई दिखाऊंगा अभी, सही है। तो यहाँ पर मैं आया, मैंने लिखा लेट, ठीक है, लेट के आगे कुछ भी आप नाम दे दो, मैंने दे दिया प्रोम करके, ठीक है, कि मैं आपसे एक प्रोमिस कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर प्रोमिसिस से पहले आपने लगाना है न्यू नाम का कीवर्ड, ठीक है, न्यू नाम का एक कीवर्ड लगाना है, उसके बाद आपने लिखना है प्रोमिसिस, प्रोमिस लिखना है, याद रखो प्रोमिसिस, प्रोमिस का पी कैपिटल होगा। ये प्रोमिस जो है एक फंक्शन है, क्या चीज़ है, एक फंक्शन है, ये अपने अंदर दो चीज़ें लेता है, देख रहे हो यहाँ पे क्या बता रहा है, कि एग्जीक्यूट करने से पहले एक फंक्शन लेगा कॉल बैक, एक रिजोल्व, एक लेगा रिजेक्ट। अच्छा ये क्या बोल रहा है, उसको छोड़ो, ये बोल रहा है सबसे पहले तो आप एक कॉल बैक फंक्शन दो पहली फुर्सत में, तो सही है,
अब इसके अंदर अपने इस पैरामीटर के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट दो चीज़ें आ रही होती हैं, एक होता है रिजोल्व, एक होता है रिजेक्ट, कि या तो आपका जो डेटा है वो रिजोल्व हो जाएगा या तो आपका डेटा रिजेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब ये जो रिजोल्व रिजेक्ट है ये भी फंक्शन है। मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं ऐसा समझ लो कि फेसबुक टाइप की कोई ऐप बना रहा हूँ, इसमें मैं यूज़र से लॉगिन करवा रहा हूँ और मैं कंडीशन लगा रहा हूँ कि अगर यूज़र लॉगिन है तो मतलब एपीआई सक्सेसफुली हिट हो जानी चाहिए। जो पोस्ट की एपीआई है, मतलब फॉर एग्जांपल आपने फेसबुक को लॉगिन ही नहीं करा और आप जो है क्रिएट पोस्ट कर रहे हो, कर सकते हो? या फेसबुक ही लॉगिन नहीं करा, अकाउंट ही ओपन नहीं है, आप जाके डायरेक्टली क्रिएट पोस्ट वाले लिंक पर क्लिक करके उसकी एपीआई को हिट करना चाह रहे हो, कैसे करोगे? लॉगिन तो करो अकाउंट। तो यहाँ पर हम एक कंडीशन बना रहे हैं कि लेट इज़ यूज़र लॉगिन, कि अगर यूज़र लॉगिन है, अगर यूज़र ट्रू है, इसका मतलब लॉगिन है, तो इफ एल्स की कंडीशन लगा रहा हूँ, ये मैंने लगा दी। मैंने बोला कि अगर यूज़र लॉगिन है, अगर यूज़र ट्रू है, तो जो इस यूज़र लॉगिन में ट्रू आ रहा होगा, जब ट्रू आएगा तो रिजोल्व एक फंक्शन है। रिजोल्व क्या है? फंक्शन है, राउंड ब्रैकेट लाया, कॉल करा, मैंने बोला यूज़र इज़ लॉग्ड इन सक्सेसफुली। बात समझ में आ गई? यूज़र लॉग्ड इन है, ठीक है? अगर वो लॉगिन नहीं है तो उसको रिजेक्ट कर दो, यूज़र इज़ नॉट लॉग, सही है? अगर तो आपको ट्रू दिखे तो यूज़र लॉगिन है, एपीआई को हिट करने दो, वरना तो आप एल्स चला दो कि ये एपीआई कॉल नहीं हो सकती है। तो ये ऑटोमेटिकली इस काम को जो है, ये तो आपको तो यहाँ पर जब प्रोमिसिस आया तो प्रोमिसिस में सीन ऐसा हुआ कि ये सिर्फ इसीलिए नहीं लाया, इससे पहले कॉल बैक थे, काम हो रहा था, कॉल बैक्स थे, एक के साथ दूसरी चीज़ डिपेंडेंट थी, लेकिन वहाँ पे हो रहा क्या था? कॉल बैक्स का यूज़ हो रहा था। किस चीज़ का यूज़ हो रहा था? कॉल बैक्स में क्या हो रहा था, थोड़ा काम हमारा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, हम एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर आके आर्गुमेंट दे रहे थे कि इसको कॉल करो, पैरामीटर में रिसीव कर रहे हो उसका डिपेंड, इसी तरह से पता नहीं कितनी लाइनों का कोड ऐसे होता था। तो कोड आगे पीछे चला रहा पड़ रहा था, हाथ से समझ ही नहीं आ रहा था। प्रोमिसिस ने आके इस चीज़ को सॉल्व कर दिया, उसने बोला कि वहाँ पर भाई आपको वाकई में हार्ड लग रहा होगा, क्योंकि इंसान को एक सिंक्रोनसली कोई चीज़ चल रही हो तो समझ में आ जाएगा, आप उसको आगे पीछे चलाओगे हाथ से, आपको खुद को समझ नहीं आएगा हो क्या रहा है। तो यहाँ पर अब कोड लाइन बाय लाइन चल रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन ये खुद ही उसको एसिंक्रोनस बनाएगा, सही है? अब यहाँ पर हमने बोला कि प्रोमिसेस के अंदर के अगर एपीआई सक्सेसफुली ट्रू होगी तो लॉगिन चलेगा, वरना तो लॉग आउट चलेगा, हमारे पास जो भी कुछ है। अभी हम एक काम करते हैं, इसको मैं लॉक करा के चेक कर लेता हूँ, सॉरी, हाँ लॉक करा के चेक कर लेता हूँ, जो प्रोमिसेस है लॉक करा के, जो प्रोम है इसमें आ क्या रहा है, बेसिकली क्या बोल रहा है कि प्रोमिसेस चल रहा है लेकिन फुलफिल्ड हो गया रिस्पॉन्स, मतलब यूज़र सक्सेसफुली हो चुका है, बोला यूज़र लॉगिन है प्रोमिसेस के अंदर, देख रहे हो, बोला यूज़र लॉगिन है। अब अगर मैं इसको आगे कर दूँ फॉल्स, क्या बोल रहा है? रिजेक्टेड, यूज़र इज़ नॉट लॉगिन, एरर दे दिया उसने। लेकिन अब तो ये जो प्रोमिस है ना, ये तो सिर्फ ये चेक कर रहा है कि यूज़र लॉगिन है या नहीं है। अब लॉगिन करने के बाद जो आगे का सारा काम है, जो इम्पोर्टेंट काम है, जो उसको फ्रंट पेज पे लेकर जाना है, अगर फॉर एग्जाम्पल लॉगिन है, कंडीशन चेक करी, तो उसको मेन पेज पे लेकर चल जाएगा, बोलेगा जाओ फेसबुक का मेन पेज घूमो, वरना आप घूम नहीं सकते हो, सही है? तो अभी तो सिर्फ इस प्रोमिस का सिर्फ इतना ही काम है कि एपीआई को चेक करेगा कि रिजोल्व है या रिजेक्ट है, सक्सेसफुली चल रही है नहीं चल रही है। अब इसके साथ आपने लेना है काम, फॉर एग्जाम्पल अगर भाई यूज़र ट्रू है, मैं आपको यहाँ पे कोई एपीआई नहीं लगा के दिखा रहा, लेकिन एपीआई जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्योंकि अब इस काम की जगह भी अब दूसरा काम आ गया है, समझ रहे हो? तो ये काम तो भाई समझ में आया, इसलिए आया था, अब इससे भी ज़्यादा आसान काम आ चुका है, सही है? तो अभी यहाँ पर मैंने बोला कि अगर यूज़र लॉगिन है, ट्रू है, तो यहाँ पे जो प्रोम आ रहा है, इस प्रोमिस के अंदर ये हमें दो चीज़ें रिटर्न करता है। कितनी चीज़ें रिटर्न करता है? जैसे मैं डॉट लगाऊंगा तो यहाँ पे देखो तीन चीज़ें आएंगी, देन, कैच, फाइनली। इस देन का मतलब है कि अगर आपका रिस्पॉन्स सक्सेसफुली आ जाता है, अगर आपका रिजोल्व चलेगा, तो इससे पहले तो अगर लॉगिन कराया था तो इतना सारा कचरा दे रहा था, फुलफिल्ड, प्रोमिस, यूज़र लॉगिन, भाई हमें तो मतलब है यूज़र लॉगिन से, बस इतने वर्ड से मतलब है,
हमें इतना बड़ा वो नहीं चाहिए, 3 थप्पड़ जो है फुलफिल्ड आ रहा है, ऑब्जेक्ट बनाकर दे रहा, कुछ नहीं चाहिए। हमें सिर्फ क्या चाहिए, यूज़र लॉगिन, बस बात ख़त्म। तो उसने बोला कि मैं तो भाई प्रोमिसेस तो ये चेक करूँगा कि यूज़र लॉगिन है या नहीं है, बाकी अगर आपको रिस्पॉन्स चाहिए तो मैं आपको देन के अंदर ट्रांसफ़र करके दूंगा, डायरेक्टली नहीं दूंगा। अब देन क्या है भाई, देन एक फंक्शन है, सही है। देन का मतलब है कि अगर यूज़र सक्सेसफुली लॉगिन हो जाता है, कि हमारा जो रिजोल्व फंक्शन चल जाता है तो देन चलेगा। देन बोल रहा है कि मेरे भी कुछ रूल्स होंगे, ठीक है, बोल रहा है मैं कॉल बैक फंक्शन लूँगा, ठीक है, मैं कॉल बैक फंक्शन लूँगा, और इस कॉल बैक फंक्शन में, इसके पैरामीटर में मैं खुद ही जो है ना आपको डेटा ट्रांसफ़र कर दूंगा, ये वाला यूज़र लॉगिन वाला। अब आप उसको चाहे किसी भी नाम से रिसीव करो, मेरे को कोई मत रखो, मैंने इस नाम से रिसीव कर लिया, बोला मैं डेटा खुद ही ट्रांसफ़र कर दूंगा, बस आप पैरामीटर में रिसीव कर लेना बस, ठीक है। अब कंसोल करा के चेक कर लेना कि रिस्पॉन्स में आ क्या रहा है, जो मैंने डेटा भेजा आपको मिल गया नहीं मिला। अगर तो ऐसा नहीं होता भाई, अगर रिजोल्व चलता है तो भाई आपको डेटा मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा देन में, वरना तो मैं आपको डेटा किस में ट्रांसफ़र करूँगा, कैच में। मतलब अगर रिजेक्ट चलेगा तो मैं आपको डेटा ट्रांसफ़र करूँगा कैच में, वो भी बोलेगा कि कॉल बैक फंक्शन, और इधर रिसीव कर लो। मैंने बोला कि एरर आ जाएगा, बस बोला लॉक करा के दिखा दो, एरर। सही है, इन्हों के अपने अपने कुछ रूल्स थे, इन्होंने चीज़ें बता दी कि ऐसे ऐसे वजह है, ठीक है ना, ऐसे चलेंगे। तो अभी यहाँ पर क्या लिखा हुआ आएगा, आ गया जो इम्पोर्टेंट डेटा था, सिर्फ इसने वो ट्रांसफ़र कर दिया। अब ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ नहीं दिया, मैं यहाँ पर आके बोल रहा हूँ इसको फॉल्स, यूज़र इज़ नॉट लॉग इन। बात समझ आ गई? तो याद रखो कि अगर आप एपीआई के साथ डील करते हो, एपीआई के साथ कुछ भी काम करते हो, तो जब एपीआई अपना डेटा देगी, जैसे वो इतने सारे वो एरो ऑफ ऑब्जेक्ट दे रही थी ना, तो वो आपको जब डेटा देगी यहाँ से, तो सिर्फ वो चीज़ चेक करेगी कि एपीआई सही है या नहीं है, या डेटाबेस से डेटा लाई है या नहीं है। अगर आपको एरो ऑफ ऑब्जेक्ट डेटा चाहिए, उसके अंदर का डेटा निकलवा कर चाहिए, तो आपको देन कैच लगाना पड़ेगा। छोड़ दो, बात समझ में आ गया? अगर एपीआई सक्सेसफुली चल जाएगी तो रिजोल्व चलेगा, जब रिजोल्व चलेगा तो देन में आएगा, रिजेक्ट चलेगा तो कैच में आएगा। अब यहाँ अभी फटी क्या आ रही है, जबकि यहाँ पर कोई देन कैच का कोई तुक नहीं बनता है ना, रिजोल्व रिजेक्ट का कोई तुक नहीं बनता, फालतू के लगाने पड़ रहे हैं, इतना लंबाई हो रही है। तो इसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, इसको आगे चल के इन लोगों ने कैसे ख़त्म करा, आगे चल के इतनी सी लाइन आ जाएगी बस, उसमें काम हो रहा होगा, सही है। और अगर रिएक्ट वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे वो भी नहीं होगी। बस बस ये ऐसा ही है अभी सीन, जो इतना लंबा काम करा है ना, आगे चल के एक ही लाइन में काम हो जाएगा, और रिस्पॉन्स भी दे देगा, सब कुछ दे देगा। तो अभी इसमें किसी का कोई सवाल है तो पूछो। अच्छा एक चीज़ और बताओ, एक चीज़ याद, एक मिनट। प्रोमिसज जो है, जहाँ पर भी आपको प्रोमिस दिखे, प्रोमिस आपको दो चीज़ें देगा, देन कैच, आपको आपका आंसर देन कैच में ही मिलेगा, ये चीज़ याद रखना है। आगे चल के प्रोमिस अभी फिर टकराएगा आपको, पीछे नहीं छोड़ा इसने, लेकिन आगे चल के फिर टकराएगा, वो दूसरे तरीके से आएगा। हाँ बोलो।